Lights, camera, cook. Assalamu alaikum, ek dafa phir khush aamdeed, star iftar with Sarmad Khoosat mein. Main hoon Sarmad Khoosat aur aap hain mere kitchen mein maujood. Aaj bhi janab aapke liye do adad kuch healthy cheeze banane ki koshish karenge aur aapki mulaqat karwayenge meri ek aur dost se. Bahut masoom si, bholi bhali si, pyari si lekin bahut successful model hain, acting bhi kar chuki hain. Betahasha Awards, jin mein do adad Lux Style Awards for the Model of the Year maujood hain, Cybil Chaudhry. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? Bilkul theek. Aap kaisi hain, Cybil? Bilkul theek. Kaisa guzar raha hai Ramzan? Achha guzar raha hai, so far. Bahut garmi hai lekin. Bahut garmi hai, but trying to stay keep indoors, so achha guzar raha hai. तो सिबिल, रमजान में काम का लोड कम हो जाता है या आप खुद कट डाउन करते हैं? थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि बाहर यू नो नोबडी वांट्स टू गो आउटसाइड एंड शूट गर्मी में, तो लोड कम हो जाता है, व्हिच इज गुड. बट रमजान ओवरऑल आपके लिए मतलब इज इट लाइक फैमिली टाइम? फैमिली टाइम जी, बिल्कुल. जनाब, आपको अपने किचन में ऑफिशियली वेलकम करता हूं. थैंक यू सो मच सिबिल. आज मैं आपके लिए कुछ हेल्थी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अपने शो पे मैं कोशिश यही करता हूँ कि हम थोड़ा थोड़ा रोज़ कुछ अपने इफ्तार में या सहरी के हवाले से कुछ नया बना लें, जिसमें फल शामिल हों, सब्जियाँ शामिल हों, गोश्त भी शामिल हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वो फ्राइंग और वो सब कुछ ना. गुड आइडिया. राइट. सो जनाब, आज हमारे पास ये पौधा मौजूद है, ये पौधा पकाएंगे. अच्छा. इसका नाम है सेलरी. ये वो वाली सेलरी नहीं मिली जनाब, सेलरी आमतौर पर वो जो बड़े स्टॉक वाला होता है वो नहीं मिला हमें. हमारे पास जनाब जो चीज़ है उसका नाम है चिकन ग्रेप एंड सेलरी सैलेड, यानी मुर्गी अंगूर और सेलरी का सैलेड है. उसको हम डबल रोटी के साथ सर्व करेंगे और उसके अंदर बहुत हेल्थी तरीके से हम दही और लीमू और नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे. सिबिल, सबसे पहले मैं आपकी किचन स्किल्स ज़रा थोड़ी आज, और मुझे कुछ मेरे और दोस्तों ने बताया कि आप किचन में बहुत अच्छा काम करती हैं. आई डू, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है एक्चुअली. जबरदस्त. और क्या पकाती हैं ज्यादा शौक से? यूजुअली इट्स अ लॉट ऑफ स्टीम चिकन, वेजिटेबल्स, वेरी हेल्थी ऑर्गेनिक खाना पकाती हूं. और पाकिस्तानी देसी. देसी में क्या पकाती? बिरयानी एंड कीमास एंड जनाब ये तो सीइंग इज साग. यस, वन टाइम आई मेड, मैंने अपने छोटे बेटे के लिए वो लड्डू बनाए थे घर पे. घर पे बाकायदा लड्डू, मोती चूर के लड्डू. जी. अच्छा, नजर का धोखा जो है वो एक चीज है, और जब आप उसका क्या कहते हैं खुद यकीन दहानी कर लेते हैं तो. अच्छा, ये कंसेप्शन होता है ना कि जो लड़कियां टीवी पे काम करती हैं या मॉडलिंग करती हैं, स्पेशली क्योंकि मैं अपेरेंटली बहुत अंग्रेज हूँ ना, तो इसलिए मुझे तो कुछ नहीं पता होगा. स्पेशली ना मैं उर्दू बोल सकती हूँ, ना मैं खाना पका सकती हूँ. बस मुझे आपने दरमियान में से उतनी देर में मैं आपको बताता चलूं कि मैं मुर्गी के ये चिकन ब्रेस्ट जो हैं इसके साथ कुछ क्या सलूक करने वाला हूँ. सो दो अदद चिकन ब्रेस्ट लेंगे, उनको साफ कर लें, धो लें, और जनाब यहाँ पे हम अपने पैन को जलाएंगे. इसके नीचे आग, बहुत मामूली सा हम इसमें ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, कोई डेढ़ या दो टेबलस्पून के बराबर. और हम जनाबे आली चिकन ब्रेस्ट जो हैं वो इसमें डालने से पहले उसके ऊपर कट्स लगा लेंगे, क्योंकि अगर इसकी मोटाई ज़्यादा हो तो फिर उसको अंदर तक पकने में देर नहीं लगती. अच्छा जी. Do you want the seeds taken out as well? Cybil, it depends. आपने इफ्तार में खाना है, आपको बीज पसंद है? नहीं. तो आप बीज निकाल सकती हैं. ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर होगा, इसलिए मैं नहीं निकालती. जबरदस्त. अच्छा, तो सिबिल थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. तो वो ये जो है कि सिबिल उर्दू नहीं बोलती हैं. सिबिल, यू बेसिकली ग्रो अप इन जर्मनी? नो, आई डिडंट एक्चुअली. आई ग्रो अप इन पाकिस्तान. अच्छा. आई ग्रो अप इन लाहौर. अच्छा. आई वाज बोर्न इन कराची. अच्छा. आई हैव मूव्ड एंड लिव्ड इन अमेरिका ऑफ एंड ऑन. अच्छा. बट माय मेजर स्कूलिंग वाज डन हियर इन लाहौर. अच्छा जी, तो फिर उर्दू क्यों इतना थोड़ा जरा? उर्दू क्योंकि बिकॉज़ आई नेवर फॉर्मली लर्नड उर्दू इन स्कूल. आई टुक जर्मन एंड फ्रेंच अदरवाइज. माय मदर इज जर्मन, तो इसलिए. राइट राइट. तो अम्मा जर्मन है लेकिन आप जर्मनी रही नहीं? नहीं.
एक रूमर भी है कि मेरी माँ भी, माय मदर वाज आल्सो अ मॉडल इन जर्मनी, शी वाजंट, शी इज नॉट अ मॉडल इन जर्मनी, शी इज अ लॉयर एंड अ हाउसवाइफ. अच्छा, कहानियाँ बहुत बन जाती हैं ना. बिल्कुल. मतलब हमेशा लोगों को कहानियाँ बनाने का बहुत शौक होता है. तो सिबिल आजकल क्या, वो अभी एक्टिंग वैसे आपने बहुत ज्यादा नहीं अभी शुरू? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट. आई वुड लाइक टू, आई थिंक indulge more. Abhi just focusing on the modeling. I've started hosting as well. Hosting bhi karti hain? Sorry, mujhe shuru mein batana bhool gaya. Aur is sab ko beech mein rokte hue Cybil, pehle aap sochega kya aapko zindagi mein kabhi achhi paper mill mili hai? Nahi. Ye paper mill ek duniya ki. Nahi, achhi nahi. The best is you get the bowl and the mortar and you crush it yourself. That's the best way to get crushed pepper. ये जो है ना काम, ये जो एक काम है वो मुझे करना है जनाब. तो काली मिर्च और नमक, थोड़े से तेल के अंदर काली मिर्च और नमक डालेंगे. एक काम मैं और कर रहा हूँ, ये एक ऑर्गेनिक किस्म का मेरे पास गार्लिक विनेगर है. तो गार्लिक विनेगर जो है जनाब, वो थोड़ा सा डालेंगे. इससे क्या होगा कि थोड़ा उसको पकने में आसानी होगी, और दूसरा ये कि हम उसको फ्लेवर भी दे देंगे विनेगर का. Is this enough or मेरा ख्याल है काफी है. इसमें डाल दीजिए. और अच्छा सिबिल जी, माशाल्लाह ना सिर्फ आप एक इंसान हैं बल्कि बहुत खूबसूरत इंसान हैं. मुझे बताएं, अगर खुदा ना खास्ता इंसान ना होते, हम कोई सब्जी होते या कोई खाने पीने की चीज होते, तो आप क्या बनना पसंद करते हैं? That's a question I think nobody's ever asked me before. But I think I would be a broccoli. Broccoli? ये कोई बड़ा unusual सा जवाब भी है. It is, isn't it? हाँ. Sorry, Cybil, मेरी आज कुछ पलटने की वो मुझे तेल से डर लग रहा है, क्योंकि आज मेरा पहला किचन का बर्न मुझे लग चुका है. Toothpaste. हाँ, toothpaste लगा दो. अच्छा, तो broccoli ही क्यों? I always loved broccoli. Broccoli is like my favorite vegetable since I was a child. मेरे अबू हमें कहते थे कि just imagine it's a tree, and you're eating the tree. First you eat the leaves, and then you go down and you eat the bark. तो हमें मजा आता था. यानी पूरा दरख्त, पहले उसका सब्जा खाया, फिर उसका नीचे तना खाया. Exactly. So that's how we used to eat broccoli. और मुझे अभी भी raw or cooked. हाँ. I love eating broccoli. और मैं आपको इसी बात पे एक पौधा और देता हूँ. तो जनाब सिबिल जितनी देर पत्ते से अलहदा कर रही हैं उसकी डंडी को, और चिकन को हम जो है वो करीबन 3-3.5 मिनट एक एक तरफ, डिपेंडिंग कि आपके पास जो चिकन ब्रेस्ट है उसकी मोटाई कितनी है. एक मैंने पहले बना के इसलिए रख लिया था क्योंकि इसको पकाने के बाद आपने ठंडा भी करना है, क्योंकि ये सैलेड के अंदर जाएगा. तो मेरा ख्याल है कोल्ड सैलेड सॉर्ट ऑफ. या एब्सोल्युटली, क्योंकि उसमें हम वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, मेयोनेज नहीं डालेंगे, हम योगर्ट डालेंगे. तो योगर्ट ठंडा होता है. मेयोनेज वैसे इट्स नॉट गुड फॉर यू एनीवे. नॉट गुड फॉर यू, एब्सोल्युटली. सिबिल, कोई एक ऐसी कोई बात बताएं, कोई ऐसा टोटका या कोई आपका सीक्रेट, मतलब स्मार्टनेस का राज भी, और कोई खाने पीने में ऐसा कोई चीज. स्मार्टनेस का राज वो क्या है? एक तो मैं बहुत नारियल का पानी पीती हूँ एवरी डे. कोकोनट वाटर, मतलब बाकायदा जो कोकोनट के अंदर. एक्चुअल हाँ, बट वो कच्चा वाला, नॉट द पक्का वाला. ग्रीन वाला, ग्रीन वाला. और वो लाहौर में आराम से मिल जाता है? वेल, हुसैन चौक पे मिल जाता है. मिल जाता है, ठीक है, मिल जाते हैं. एंड देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच अ फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली, उन्होंने मुझे सिखाया ये. शी कॉल्स इट विचेस ब्रू. विचेस ब्रू, चुड़ैलों का क्या कहना चाहिए, चुड़ैलों का एक खमीरा मलगूजा. हाँ, something like that. It has a haldi cayenne pepper. Yahan pe nahi milta, so you can get just lal mirch, thoda sa lal mirch, haldi, ha, sukawa. Put it in a cup, pour hot water on top, aur upar nibbu. Acha, aur wo subah khali pet pe piye. Uske baad aapke kaanon se dhuen nikalte hain. Nahi, uske aapke pura, like it cleans your skin, khoon saaf karta hai, aapka pet saaf karta hai, and it's really good. It helps very. Ever since I've been using it, it helps. जनाबे आली, मेरा ख्याल है कल तो सहरी में ये टोटका आजमाया जाए, उसके बाद अगर मेरा रोजा खराब हुआ. I think सहरी पे नहीं करना चाहिए, इफ्तारी पे करना चाहिए. इफ्तारी पे करना चाहिए. तो जनाब इफ्तारी में जरूर ट्राई कीजिएगा स्मार्टनेस का राज सिबिल चौधरी का. जो चिकन ब्रेस्ट हैं वो तकरीबन पक चुके हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि मुझे शक है कि इनकी थिकनेस ज़रा ज़्यादा थी. मैं इसको शायद थोड़ी देर ढक कर भी स्टीम दे दूँ अंदर तक. उतनी देर आप लें एक छोटा सा ब्रेक. मुलाकात होती है स्टार इफ्तार में ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी. जो मैंने यहाँ पे शू शू करके काफ़ी ज़्यादा गंद मचाया है मैं उसको साफ कर रहा हूँ. एंड सिबिल, आई मस्ट से आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. थैंक यू. आप तो बाकायदा अच्छी और प्रोफेशनल मुझे शेफ लग रही हैं. आई वुड लाइक टू बी वन डे मे बी. हाँ, इज दैट अ ड्रीम रेस्टोरेंट? यस, आई लाइक टू डू इट एट होम. आई लाइक टू कुक फॉर माई फैमिली, माई किड्स एंड स्टफ. तो मुझे मजा आता है कुकिंग में. इट्स वेरी थेरेप्यूटिक. अब बच्चे क्या पसंद करते हैं, बच्चों के लिए क्या वो सब कुछ खा लेते हैं? हाँ, ये ट्रेनिंग किया आपने उनका शुरू से? मैंने शुरू में उनको, जैसे बच्चे कहते हैं कि नहीं ये नहीं खाना, पास्ता खाना है, तो मैं कहती थी नहीं, जो घर पे खाना पका हुआ है वही आपने खाना है, वरना आप ना खाएं. जबरदस्त. यू वांट दिस इन हियर? यस सिबिल, थैंक यू. एंड सिबिल, लेमन आपकी वैसे तो मर्जी पे है कि आप कितना डालना चाहें उसमें. मैं क्या ढूंढ रहा था? हाँ, मैं ढूंढ रहा था जनाब, तो जो मैंने आपको कहा कि जो चिकन ब्रेस्ट से वैसे जो मैंने बनाए वो तो ये रहे, लेकिन चूंकि आपको इसको ठंडा करना है, दही में मिलाना है, तो एक पहले से बना के मैंने उसको ठंडा कर लिया है. और मैं इसको यहाँ चॉपिंग बोर्ड पे निकालूंगा. और मैं सिबिल छोटे पहले बीच में से भी एक दफ़ा काट लूँ, मोटा तो नहीं है? बहुत मोटा है, है ना? सो एक दफ़ा पहले मैं यहाँ से काट लूँ इसको, और फिर हम इसके करेंगे जनाब टेढ़े रुख पे रख के पारछे पारछे. अच्छा, ये बिल्कुल आई थिंक सॉर्ट ऑफ आप समझ लें पैन ग्रिल्ड या रोटिसरी स्टाइल थोड़ा सा. अच्छा सिबिल जी, आमतौर पे सहरी में क्या मेन्यू होता है आपका, मतलब आप क्या चीज पसंद करती हैं? आई लाइक टू हैव अ पराठा. अच्छा, बट समटाइम्स एक और मिथ आपने तोड़ा. लोगों को लगता है मॉडल्स तो बिल्कुल पराठा शराब. नहीं, मैं बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत शौक है. एंड आई लव देसी खाना स्पेशली. अच्छा, but so usually it's paratha with yogurt. Okay. Maybe the leftover salad from night before. Not too picky, not too much in the morning. Acha, anda, ande ki shaukeen hai. Ande ke bahut shaukeen hu. Anda bhi khati hain kyunki mera favorite hai paratha, anda aur ha jo bhi salad wala koi agar. But yogurt is a staple. Yogurt has to be there. So yogurt aapki marzi pe hai. Hum chuke isme yogurt dal rahe hain instead of, so kitna dala jaye? I think just about 2 spoons. आपकी मर्जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और इसको मिक्स करके लीमू आपने उसमें डाल दिया, राइट? और नमक इसमें मौजूद है. मैं नमक का बहुत फैन नहीं हूँ. नहीं, अगर आप, है ना, चिकन वाला नमक, बेस्ट टू ऑलवेज पुट नमक आफ्टरवर्ड आफ्टरवर्ड ना उसके अंदर. और हम इसके अंदर चिकन, और क्या ख्याल है, इसको थोड़ा सा दही है, इसमें ऑलिव ऑयल की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए. वो भी हम इसमें डाल दूं सारी या थोड़ी थोड़ी करके? Make it look pretty. Okay, cool. जनाबे आली. अच्छा सिबिल, एक और छोटा सा सेगमेंट मेरे प्रोग्राम में ये है कि कई दफ़ा हम सोचते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं या जो हमारा ख्याल रखते हैं उनको बस पता होगा जो हमारे दिल में है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बताएं भी. कोई ऐसा शख्स जिसने आपके लिए कभी कुछ बहुत यादगार खाना बनाया हो, या जिसने बहुत अरसे तक आपके लिए पकाया हो कैमरे में देख के, आपने उनका शुक्रिया अदा करना? Well, of course, it's, I think, I was actually watching a show last night about cooking. तो I think हमेशा हम अपने माँ को शुक्रिया कहना चाहिए कि when we're at home, everything about the family and family time हमेशा is about mothers and what they cook for us and the family around the table and things. तो मेरी अम्मी मेरे लिए हमेशा एक German dish बनाती हैं called rouladen, which is very difficult to make, but it's my favorite. और जब भी मैं वापस जाती हूँ उनको मिलने के लिए तो वो हमेशा टेबल पे तैयार पड़ा होता है मेरे लिए. सो थैंक यू मॉम फॉर ऑलवेज मेकिंग मी दिस वंडरफुल डिश. Excellent, excellent. How sweet, how sweet. अच्छा सिबिल, इसके अंदर हम मल्टीग्रेन या जो भी कोई ब्रांड ब्रेड होती है वो यूज़ करेंगे. और इसको भी थोड़ा सा वही प्रेजेंटेशन को अगर हम दिमाग में रखें तो एक इसका मज़े का तरीका ये हो सकता है, इस चॉपिंग बोर्ड को यूज़ कर लें. हाँ ना, सो मैं क्या करूँगा, इसको रखते हैं और इसके बीच में से हम एक, ये मैं अपने बच्चों के लिए भी करती थी बट विद कुकी कटर्स. ये खुश हो जाते हैं ना विद डायनासोर्स. ओ जबरदस्त. तो जनाब ये ग्लास के साथ आप इसके इस तरह के 2 अदद गोले बना सकते हैं. तो जनाब ये ताज़ा डबल रोटी यहाँ पे मौजूद है. और सिबिल को ही मैं कहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी सलाहियत मेरे से बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ गंद उठाऊँगा यहाँ से, बाकी का सिबिल चला. गेट यू अ कांटा एंड अ चमचा. अच्छा सिबिल, अब लोग दूसरे प्लैनेट्स पे भी जाना शुरू हो गए हैं, आपको पता है ना. सो अगर
कभी ऐसा कोई मौका आए ज़िंदगी में कि आपको ये बताया जाए कि अच्छा जी अब आपको मार्स पे चले जाना है कुछ अरसे के लिए, तो दुनिया से जाते हुए कुछ अरसे के लिए वो कौन सी ऐसी डिश है जो आप कहेंगी कि बस ये खाए बगैर तो मुझे कोई कुछ बोले भी ना? बिरयानी। बिरयानी शरीर हमारी खूबसूरत और गोरा स्टाइल जो मॉडर्न है उनको बहुत ज्यादा देसी खाने पसंद है, साग भी बनाती है, लड्डू भी बनाती है, और बिरयानी खाए बगैर मार्स पे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाऊंगी कभी। बिरयानी विद अचार एंड सलाद एंड एवरीथिंग एंड रायता, उफ इट हैज टू हैव एवरीथिंग। जनाब वेलकम बैक मेरे किचन में। आज मेरे साथ मेरी मेहमान मेरी दोस्त सिबिल चौधरी मौजूद है। उनके सामने मौजूद है एक नाशपाती, एक हरा सेब और एक अदद केला। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जो सेलरी के स्टॉक्स जो थे डंडियाँ वो सिबिल ने सैलड में डाल दी, उनके पत्ते मेरे पास हैं, अनानास, पाइनएप्पल और शहद थोड़ा सा और आलमंड मिल्क। अच्छा ये मैंने बहुत अपने एक टोटके से बनाया। वैसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आलमंड मिल्क अगर घर में बनाना हो तो कैसे बनाए? Almond milk, I haven't tried. मैंने try किया almond butter. Okay. But वो मेरे से नहीं बना। नहीं बना। अच्छा मुझे भी इस पे शक है। तो मैंने क्या किया जी, बादामों को पहले भिगो दिया। जब उनके छिलके नरम होके उतर गए तो उसी पानी के अंदर थोड़ा और पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा किसी ने मुझे कहा कि इसको फिर आप एक कपड़े में डाल के मलमल के तो उसको निचोड़ लें। बट आई थॉट सारा न्यूट्रिशन और वो फाइबर शायद गुम हो जाए। well, अगर आपको वो टेक्सचर अच्छा लगता है। हाँ। बिल्कुल टेक्सचर पे डिपेंड करता है। हाँ। कि वो आपके टेस्ट पे। हाँ, आपके टेस्ट आपके लिए मैंने अंदर ही रहने दिया जो कुछ। ठीक है, that's fine, I don't mind. Okay, great जनाब। सिबिल इसके अंदर से सिर्फ आप मुझे बीज निकाल देंगी। I think आधा सेब आधी नाशपाती और आधा केला मुझे एक चीज बताऊं केले जरूर 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 अभी आजकल cuz it's very hot केले बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। सो इफ यू पुट क्लिंग फिल्म ऑन द एंड प्लास्टिक को लेके प्लास्टिक को लेके एंड पे उसको रैप कर दो तो इट लास्ट्स लॉन्गर और बाहर पड़ा रहे। बाहर पड़ा रहे। एक्सीलेंट जनाब। आप देख लीजिए कि आपको क्या पहनना है, किस मौसम में कौन सा मेकअप करना है, बाल कैसे बनाने, उसके अलावा केले पे क्लिंग फिल्म लगाने का भी जो टोटका है वो सिबिल ने आपको बता दिया है। पाइनएप्पल जनाब अगेन आपकी मर्जी पे है, आप जितना इसको मीठा चाहें, प्रोपोर्शंस आपके हिसाब से है। मैं तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम शहद हस्बे जायका मैं एक चम्मच शहद इसमें मिलाऊंगा। वैसे मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा बनेगा, मैं दो चम्मच मिलाने लगा हूं। और सिबिल वैसे पीने में क्या पसंद है आपको, मतलब ठंडे ड्रिंक्स में लीमू वाली चीजें, मिंट वाली चीजें? जनाब यारी सो ये आ गया सेब, थोड़ा सा और काट और काट दो थोड़ा। Do you want it half this way or is... anyway क्योंकि होना तो उसने ब्लेंड ही है। वैसे मैं साथ साथ ब्लेंड कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अभी इसमें ओके आलमंड मिल्क या सेब यस केला यस नाशपाती यस शहद शहद सेलरी एंड पाइनएप्पल। हाँ सेलरी अभी मैंने डाला नहीं है, मैं थोड़ा सा डर गया हूँ ऐसे। लेकिन ट्राई करते हैं, तो वी शुड ट्राई न्यू। वैसे मेरा ये ख्याल है कि जिंदगी में चीजें ट्राई करनी चाहिए और सब्जे की बहुत जी फवायद होते हैं, तो थोड़ी सी सैलरी डालते हैं आज। और मेरा ख्याल है हमेशा अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई वन बाइट, एक चीज का हमेशा छोटा सा बाइट लेना चाहिए बिफोर यू से नो आई डोंट वांट इट। बट दैट्स चीप। सिबिल हे इज विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो कुछ अपनी जिंदगी में करें और आप में से बड़ी एक सच्चाई सच्चाई की खुशबू आती है। सो इसी तरह सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी रहें और जो काम भी करें उसमें बहुत कामयाब रहें। थैंक यू। छोटे से कुछ, ये तो छोटे से कुछ नहीं है, तो बहुत ज्यादा कुछ है। आप मेरे बावर्ची खाने में आए, आपने मुझे अपनी बेहतरीन किस्म की स्किल्स दिखाई, आपके लिए कुछ ऑर्गेनिक तो नाउ आई विल हैव टू मेक यू दोस मोतीचूर के लड्डूस एंड सेंड देम टू यू। जबरदस्त जनाब, मोतीचूर के लड्डू भी खाएंगे और ईद पे हो सकता है कि अगर मैंने सिबिल से तब तक बनाने सीख लिए तो ईद के एपिसोड के करीब मैं कोशिश करूंगा कि मोतीचूर के लड्डू यहाँ बनाए। Inshallah. Thank you very much. Thank you so much. खुश रहिए। Loving time. Thank you. You're more than welcome, जी. आप सब भी खुश रहिए। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आपके रोजे अच्छे अच्छे गुजरते रहें। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में कल। खुदा हाफिज़।